जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मियां मुबशिर सईद, प्रेसिडेंट अल कबीर टाउन डीलर एसोसिएशन, एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स। कल का जो दहशतगर्दी का वाकया खारिया में, न्यू मेट्रो सिटी में जो वाकया हुआ है, उसकी भरपूर तौर पर मजम्मत करता हूँ कि वहाँ पर जो डीलर्स के ऑफिसेज जला दिए गए, वहाँ पर बेशुमार इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, सोसाइटी के ऑफिस को जला दिया गया और जानी और माली नुकसान पहुँचाया गया। दहशतगर्दों ने बुजदिलाना तौर पर जो हमला किया और इमलाक को आग लगाई, मैं इस चीज़ की भरपूर मजम्मत करता हूँ। और मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी कम्युनिटी की तरफ से इस चीज़ का इरादा करता हूँ कि हम हर सतह पर, हर लेवल पर उन मजलूमों के साथ खड़े हुए हैं और मौजूद हैं। रियल एस्टेट कम्युनिटी जो है वो पाकिस्तान के लिए अनथक काम कर रही है और रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है। अगर हमारे ऑफिसेज पर इस तरह से हमले किए जाएं और वो उन दहशतगर्दों को गिरफ्तार ना किया जाए, तो यकीनी तौर पर ये हुकूमत पर एक सवालिया निशान होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द अज जल्द उन दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया जाएगा और जल्द अज जल्द उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, ताकि दोबारा कभी भी कोई वाकया ऐसा ना हो सके। यकीनन किसी भी शख्स को इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को किसी भी बात पर कोई तहफ़ुज़ात मौजूद हों, तो उसके लिए हमारी एजेंसियां मौजूद हैं, उसके लिए हमारे इदारे मौजूद हैं, आज़ाद अदलिया उसके लिए मौजूद है। यकीनी तौर पर वो उधर रुजू कर सकते हैं और अपना रद्द अमल जो है उधर अपना जाहिर कर सकते हैं, एप्लीकेशन दे सकते हैं, जो भी अपनी कानूनी कार्रवाई अगर करनी चाहें तो कर सकते हैं। यकीनी तौर पर ये एक हुकूमत की रीट को चैलेंज करने वाली बात है और इंतहाई जुल्म वाली बात है कि लोगों की जानों के साथ और माल के साथ ऐसे बेदर्दी के साथ खेला गया। मैं यहाँ पर अनाउंस करता हूँ कि मैं और अल कबीर टाउन की पूरी हमारी टीम इंशाल्लाह जो मजलूम है, हर तरह से उनके साथ खड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया।